पूर्वोत्तर रेलवे हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के चल रहे इलाज के दौरान 9 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आने पर डिस्चार्ज किया गया। इस संबंध में CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि 9 मरीज जिनका रिपोर्ट निगेटिव आया है उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिससे 4 महाराजगंज और 5 मरीज देवरिया के हैं। पहले पूरे मंडल में जितने भी मरीज आते थे इन्हें रेलवे हॉस्पिटल में इलाज किया जाता था, जो कि 200 बेड का है, जो L1 अटैच फैसिलिटी है, जो कि CMD रेलवे नंद किशोर जी ने बनाकर दिया है। अब मरीजों की संख्या ज्यादा आ रही है, तो अब जनपद के मरीजों को ही यहां भर्ती किया जाएगा। यहां से 9 मरीज स्वस्थ होने पर फ्रूट पैकेट देकर एम्बुलेंस के माध्यम से उनके जनपदों में भिजवाया जा रहा है। इस सभी मरीजों को यहीं से इलाज के द्वारा ठीक करके भेजा जा रहा है और इस हॉस्पिटल में उन मरीजों को ही एडमिट किया जाता है जो कि पॉजिटिव तो है लेकिन सिम्टम नहीं है। अगर किसी भी मरीज का सिम्टम आता है, जैसे सांस फूलने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ऐसे मरीजों को BRD मेडिकल कॉलेज में L2 और L3 फैसिलिटी मौजूद है, उन मरीजों को वहां रेफर किया जाता है। सभी मरीजों ने ठीक होकर घर जाने पर डॉक्टर को धन्यवाद दिया। इस मौके पर रेलवे अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा निदेशक डॉक्टर नवल किशोर यादव, ACMO RCS डॉक्टर नंद कुमार, COVID-19 वार्ड के चिकित्सक डॉक्टर मोहिनी दुबे, स्टाफ नर्स अलका यादव, चेतराम व स्टाफ योगेंद्र व अशोक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख चिकित्सा निदेशक डॉक्टर नंद किशोर यादव और CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, ड्यूटी करना थोड़ी थोड़ी दूर की आप जाके यहाँ से फिर आप एक हफ्ता अपने घर में रहेंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, बाजार नहीं जाएंगे। ये CMD साहब की तरफ से आपको दिया जा रहा है। इधर देखिए, एक जना बैठ जाओ, तब दूसरे आ जाओ। वहीं रुके रहिए, इनको जाने। आप निगेटिव बोले महाराज, ठीक है, इधर हेलो भाई, हाँ भैया, आगे चढ़ जाए भैया, नमस्ते। हेलो हाय।
और जब तक बहुत सारी सूचनाएं दे रहे हैं। नाम डॉक्टर नवल किशोर यादव, मैं प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक हूं पूर्वोत्तर रेलवे का। आज केंद्रीय रेलवे अस्पताल गोरखपुर से 9 मरीज जो कि यहां पर इलाजरत थे और उनका निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद टोटल 9 मरीज को हम लोग डिस्चार्ज किया। उनको अपने घर भेजने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं एम्बुलेंस द्वारा, अपने जहां जहां उनका घर है उनको सब जगह पहुंचाया जाएगा एम्बुलेंस। पाँच देवरिया चार महाराज के इसमें मरीज हैं। मैं डॉक्टर एस के तिवारी, CMO गोरखपुर। आज हम लोगों ने 5 मरीजों को जो कोविड पॉजिटिव थे जिनको स्वास्थ्य लाभ मिला और नेगेटिव होने के बाद आज हमने उन्हें डिस्चार्ज किया है। पहले ये पूरा मंडल के जितने भी पॉजिटिव आते थे वो इस रेलवे हॉस्पिटल में हमारे जो 200 बिस्तरीय L1 अटैच फैसिलिटी है, CMD साहब ने इसको दिया है और अभी व्यवस्था बदल गई है क्योंकि केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं। अब हम केवल गोरखपुर के ही केसेस यहाँ पर एडमिट करेंगे। आज हमारे महाराजगंज के 4 और देवरिया के 5 मरीज बिल्कुल स्वस्थ होके, आपने देखा होगा उनको CMD साहब ने एक गिफ्ट पैक फ्रूट्स का बास्केट देके डिस्चार्ज किया है और वो सभी स्वस्थ हैं। उनके घरों को छोड़ने के लिए हमारी एम्बुलेंसेस जा रही हैं, उनको डिस्चार्ज किया जा रहा। ये हमारी L1 अटैच फैसिलिटी है जिसमें 200 बिस्तर की व्यवस्था है और हम यहाँ भर्ती करते हैं ख़ास करके उन मरीज़ों को जो पॉजिटिव तो हैं पर उनके कोई सिम्टम्स नहीं होते। अगर कोई सिम्टम आता है या कोई गंभीर बात होती है, हल्का फुल्का बुखार का ट्रीटमेंट हम यहाँ दे लेते हैं, लेकिन अगर सांस फूलने लगती है या अन्य कोई समस्या आती है तो हम उसको अपने L2 फैसिलिटी या L3 फैसिलिटी, जो दोनों ही हमारा BRD मेडिकल कॉलेज है, हम वहाँ रेफ़र कर देते हैं। इनको हम लोगों ने यहीं से स्वस्थ करके भेजा है।